कुसुंडा एरिया 6 अंतर्गत अलकुशा में संचालित यूसीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कंपनी को आज जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के असंगठित मजदूरों ने नियोजन सहित कई मांगों को लेकर कार्य को ठप कर दिया है। वहीं और आउटसोर्सिंग कंपनी और बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि कुसुंडा एरिया 6 में पूर्व में संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी के असंगठित मजदूरों ने यूसीसी इंफ्रा आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन नहीं मिलने के विरोध में असंगठित मजदूरों ने कंपनी के कार्यों को ठप किया। वहीं कहा कि कंपनी प्रबंधक कई बार वार्ता की बात कर अभी तक कंपनी में नियोजन नहीं दिया है। कंपनी प्रबंधक बैठक कर जल्द से जल्द पहल कर हम लोगों को आउटसोर्सिंग में काम दे, नहीं तो कार्य को चलने नहीं दिया जाएगा। बीसीसीएल एरिया 6 के जो डीएम है उनके सामने द्विपक्षीय वार्ता होना था, जिसमें यूसीसी इंफ्रा, बीसीसीएल और जनता मजदूर संघ यूनियन तीनों को भाग लेना था। किसी कारणवशात यूसीसी इंफ्रा के लोग नहीं आ सके, जिसमें बीसीसीएल भी हमसे यही मतलब बीसीसीएल का भी यही रिक्वेस्ट था कि अभी आप लोग इसको थोड़ा दिन और डिले कर दें, एक बार हम लोग वार्ता कर लेते हैं आपस में, उसके बाद फिर आगे का कार्रवाई किया जाए। लेकिन मजदूरों में इतना ज़्यादा रोष है कि इनको रोकना और इनको समझाना ये मुझे उचित नहीं लगा। इसीलिए इनके अंदर की आग को ठंडा करने के लिए इन लोगों ने बोला कि हमें एक बार काम बंद करना होगा। मैं इन लोगों को रोका नहीं और इन लोगों ने अपना काम जाके बंद किया। तो थाना में क्या विवाद हुई, क्या थाना में जैसे वहाँ पे 144 लगा हुआ है। हालांकि कोई भी मजदूर उनके कंपनी प्रमाइसिस के अंदर नहीं गया, कोई भी मजदूर वहाँ पे कोई उपद्रव या किसी तरीके का कोई किसी के साथ बदसलूकी नहीं हुई, सिर्फ इनके नाम पे ही वहाँ पे कार्य बंद हो गया। उसके बाद 144 लगा हुआ, तो थाना में इन लोगों को इसलिए बुलाया गया था कि आप लोग 144 का उल्लंघन नहीं करें, आप लोग बाहर रहें ठीक है, लेकिन अगर अंदर जाइएगा तो थाना को, प्रशासन को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ेगी। थाना स्थानीय लोगों का नियोजन इस हिसाब से मिलेगा क्या, क्या क्यों नहीं मिल रहा, लीक के द्वारा वार्ता नहीं हो रहा? बिल्कुल, मैं आपको इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर देता हूँ कि अगर वो स्थानीय लोगों को नियोजन नहीं देता है तो फिर उनकी काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलेगी और उनको अपना बुढ़िया बिस्तरा समेट के जाना ही होगा।